मैक्लोडगंज में फर्स्ट टाइम ने मेनली रेस्ट ही किया, थोड़ा बहुत खाया पिया यहाँ के, थोड़ा बहुत हमने मटन वोटन खाए थे, बहुत टेस्टी थे, मतलब होटल के पास में है और ये हमारा होटल जो है वो है मेगा वन होटल। तो ओके, तो अभी फिलहाल जो हमारा प्लान है वो आने का है ट्रैक पे, तो अभी हम सब रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम जब सब जाएंगे ट्रैक पे और आपको पूरा ट्रैक दिखाएंगे। अब तो आज देखो कितना तगड़ा भी हो रहा है। एक्साइटेड फॉर द ट्रैक गाइस, ये एक्साइटेड फॉर द ट्रैक, यस हम चलते हैं, अभी हमको पूरा ग्रुप ढूंढना आगे, वो थोड़े से आगे निकल गए। चलो चलो, पूरे पहाड़ हम यहाँ इनके बीच में से ट्रैकिंग करनी है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेट्स गो। ये ताल के ये करने आते हैं गाइस। ओह माय गॉड, इट विल बी ब्यूटीफुल ट्रैक। पहले ग्रुप को क्या गाइस, ये देखो क्या ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ पे। अगर आप भी आ रहे हो तो सावधान हो के आना, ये गिर भी सकते हो, बड़ी गल नहीं है। पहचानिया मेरी सूरज, धूप बहुत तेज है और फ्रंट से नहीं लेते हैं भाई। पूरी लंबी ट्रैक जाएगी, ट्रैक होगा 8-9 किलोमीटर का अप्रॉक्स। इसके बैग में रख दूंगा। हाँ भाग से ही जाएंगे, क्या टेंशन की। हाँ वो सब वहीं जा रहे हैं, सर भी वहीं जा रहे हैं। ये देखो मिनी वाटरफॉल। Yes. Hi guys. Welcome back to my channel. नहीं नहीं, मैं व्लॉग बना रहा हूं। मैं नहीं रहता व्लॉग। आ जाओ, आप भी आ जाओ। सही सब कर जी। मजा आ रहा है। सीडियाज आर देयर। हैं? कैसे पूरा हमारा ही ग्रुप जा रहा है पीछे तक, लेकिन सर में हम आगे निकल गए थोड़ी सी, होंगे बाद में कैचअप करेंगे। जान निकल चुकी है, देखो हमको दिख रहा है ये वाटरफॉल, नीचे पानी आ ही नहीं रहा है, तो तगड़ा वाटरफॉल है। फिर भी हम जा रहे हैं आगे, यहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, कोई नकली सा वाटरफॉल, इसमें हमको वाटर नहीं दिख रहा, लेकिन खुद पर आ गया है। आगे बताओ, थोड़ी सी गिर रही है पानी। देखो वो जैद कर रहा है जैद मलिक, जैद अब भी चूस रहा था, देखते हैं ये कौन है। वो तो मेरे को भी पता, कोई तो है, कौन तेरी दोस्त है, कौन सी वाली। ये इससे मैं घर पे रिश्ता भेज रहा हूँ, इसके मना कर, तगड़ा दहेज मिलेगा भाई। Oh guys, this is waterfall. मैं सब बैठ गए हैं, सबकी जान निकल चुकी है, सबके फेफड़े फूल चुके हैं, और ये वाटरफॉल पे बस फोटो खींच रहे हैं। गुड व्यू गाइस, गेट रेडी फॉर द ट्रैक गाइस। खड़ी हो जाओ जल्दी से, खड़ी हो जाओ, शांति से बता रहा हूँ। हो गए यार, हटिए जरा। यस गाइस, ब्लॉगिंग हो रही है। कितने किलोमीटर का, अब शुरू भी नहीं हुआ अभी, आगे पूछ रहा कितने किलोमीटर का भैया, ब्लॉग में बताना पड़ता है। ऑन माय डिमांड, मजा आ गया, होगा ऊपर भी होगा। गाइस हमको यहाँ से जाना है, असल बहमा चाहिए। आ जाओ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो वापिस, आराम से आना, आराम से, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ट्रैक पे और क्या होता है गाइस, ये ट्रैक चल रहा है, ऐसे रास्ता है यहाँ से।
on guys. आइए. अभी तो बहुत है. Podcast. Yo. मैं क्या बोलती हूँ 5 मिनट बैठते हैं. पागल है. जा बड़े. जोर से बोलो. मैं नहीं सुनिया. जकारा शेरावाली माईदा. भाई साहब स्पूकी रास्ता हो गया. रेस्ट वाला पॉइंट आ गया. रेस्ट पॉइंट. किसी ने बोला था जैसे प्लेन पे चलते हैं वैसे ही है. थोड़ा सा स्पूकी भी कर ले. स्पूकी वूकी. चलो बॉयज. ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर डन गाइस. 3.5 किलोमीटर. आजा उत्कर्ष. तो हमने अब इधर मैगी खा ली है और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे क्योंकि सबकी बैंड बच चुकी है और ऊपर कहने की सब जगह सेम ही व्यू है. तो अभी हम यहाँ से नीचे चलते हैं. तेरी है. तो बाकी अभी सब निकल चुके हैं. हमने मैगी वैगी खाई तो मजा आ गया यहाँ पे. तो फोन चेक वॉलेट चेक सब. फोन चेक भैया देखने को छोड़ दो नहीं हम नहीं पीछे छोड़ रहे. चलो भाई तो हम नीचे चलते हैं. डाउन हिल चल रहा है. डाउन हिल थोड़ा ज्यादा मुश्किल है नॉर्मल से. 50% ऑफ द ट्रैक गाइस डाउन हिल. आवर पीपल्स आर कमिंग. तो अभी हमको वहाँ एकदम नीचे तक जाना. वहाँ से याद है हम आए थे. वहाँ से वहीं जाना वापस. तो बहुत ही बढ़िया ट्रक था. आई लाइक इट. शिफा कैफे. बस थोड़ा सा रूट बचा बट जल्दी आ गए. ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में ऊपर से नीचे आ गए. राइड एट शिफा कैफे. ए डॉगू खाते भी देते. और गाइस कैसा रहा आपका दिन? यार वापस आ गए हैं और बाकी तो चले गए. हम तीन ही बच्चे हैं. वही तो वही है ना गाइस. ये देखो कल वाला कुत्ता है. इतना सूंघ लिया है. वही जा रहा था ऊपर. इस अभी सीधा यहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि कल ट्रैक के आने के बाद इनको हम डाउन हो गए. हम सो गए बिल्कुल. उसमें डिनर विनर किया तो उसके बाद बहुत गए नहीं. तो फिलहाल हमारा प्लान बन गया कहाँ जाने का. तो अभी हम फिलहाल पालनपुर का प्लान था लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि बिल्कुल दिक्कत हो गई थी. तो अभी हम फिलहाल सब हम मिलके जा रहे हैं थोड़ा दलाई लामा टेम्पल वगैरह और मॉल मेन मॉल रोड घूमने जा रहे हैं. तो अभी फिलहाल तो चलते हैं. रेडी हो गए हैं. पैसे वाले लोग थे बहुत ज़्यादा भाई. अपने बॉडीज रेडी हो गए हैं सब. ये दूसरा बॉडी भी रेडी है. आओ गाइस चले फिर. आओ गाइस सबके आउटफिट देख लो. ये देखो गाइस साडा आउटफिट. उत्कर्ष आउटफिट. अफजल आउटफिट. यशपुरी आपको इसका आउटफिट देखने की जरूरत नहीं है. So guys, हम अभी मिडवे में हैं. हम सनसेट के लिए यहाँ रुके हैं. कैसा लग रहा है? It was a great view. Guys, क्या सनसेट का व्यू आ रहा है. So guys, अभी बहुत मजा आ रहा है. इस समय हम जा रहे हैं यहाँ से. देखो वे आई है. हम डल लेक की साइड जा रहे हैं. डल लेक अभी हम बज रहे हैं. 5:30 बज रहे हैं तो हमको जल्दी वापस बैग भी मारना है. तो देखते हैं अभी क्या करना है. डल लेक चलते हैं. डल लेक दिखाएंगे. और ये इसमें कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है पाजी. पाजी मतलब मजा आ गया. ये तो सारा नशेड़ी लग रहा है. उत्कर्ष में कैसा लग रहा है? बहुत ही जेन्युइन मजा आ गया. तो गाइस आप पीछे व्यू देखो. ये वाला ये जेन्युइन है गाइस एकदम. तो गाइस अभी हम दिल्ली तक चलते हैं और बिल्कुल आपको मिलते हैं यहाँ पे. भी थोड़ा मस्ती फोटो भी खींचते हैं. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली तक. और ये गाइस ऐसे नाला सा आई है और आपको सबकी रिएक्शन भी दिखाते हैं एक बारी. ये देखो पर यही है दिल्ली तक चुके हैं. दिल्ली तक कैसा रहा? पहला फर्स्ट रिएक्शन क्या तेरा? इतना नाला नाला ये. यस नाला निकला. ये तो पाजी मैं बताता हूँ ये क्या सीन हुआ है. हमारा ना रथ बनाया गया है बहुत बड़ा वाला. यहाँ पे ना पहले बारिश का पानी जमा हो गया. उन्होंने नाम रख दिया दल लेक. यहाँ वादियाँ देखो भाई. वैसे लेक का कुछ नहीं है. वादियाँ अच्छी है. थोड़ा ऊपर का नजारा देखो बस. लेक का क्या है? लेक तो बन जाएगा खत्म हो जाएगा. ये वो सही बोल गया. बारिश का पानी इकट्ठा हो. यार इसके फोन में अच्छी सी वीडियो आ रही है. यहाँ पे पहले बच्चे क्रिकेट खेला करते थे. अच्छी वीडियो आती है. कौन सा फोन है? मेरा S21. अच्छा. Oh my god. Thank you. What an accent. Oh my god. Oh. पुगी क्या? देखिए. Potato momos.
तुम्हारा पूरा ग्रुप भी गाइस वहाँ पे खड़ा हुआ है अभी, क्योंकि सबकी सब डिसअपॉइंट हो चुके हैं ये देख के। दिल हमारा टूट गया है ऐसा डल लेक देख। गाइस अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया था इसलिए हमने थोड़ा प्लान चेंज कर लिया, टी गार्डन की जगह हम आ गए हैं मॉल रोड पे, और थोड़ी ठंड भी बढ़ चुकी है। अब आज हम मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से, थोड़े बहुत चीजें भी लेनी है, हम चीजें भी लेते हैं यहाँ से। और सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है? मोमोस। फोन ही लाया है और ऐसे ही है, ये मेल रोड स्टार्ट होती है यहाँ से। मॉल रोड पे फुल जाम है, फुल जैमिंग हो रही है मॉल रोड पे। द पेस्ट्री शॉप, लंगटा लागे, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें जाए। तो गाइज अभी हमने देखा टिबेट डोर्स था, मैम डोर्स बोला था ये, ओ मिल गया टिबेट किचन गाइज, पर किचन ही जाना था। चलो यहाँ चलते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं हम, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। इसकी बिल्कुल तिब्बतन वाली फील है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो ये है मटन मोमोज, ये है चिकन मोमोज, कुछ कुछ खोल के दिखा मोमोज का, एक मोमो खोल देते हैं इसको। ओह जूस देख रहा, जूस कैसे वहां, ओह माय गॉड। सो गाइस हमने तिब्बतन मोमोज से मोमोज खाए और मोमोज लाजवाब थे, चैटमैन पेट में हमारा पेट एकदम फुल हो चुका है, ऊपर तक फुल हो चुका है। तो अभी हम फिलहाल कुछ ढूंढते हैं, कोई गिफ्ट विफ्ट लाइट आइटम देखते हैं, कुछ मिल जाए तो, नहीं मिला तो कहीं और से देखेंगे। और आपको भी दिखाते हैं, आप देखो पीछे मॉल रोड, साफ कर लें कैमरा, क्या लेना चाहिए। यहाँ पे ऐसे शॉल्स वगैरह हैं, इसकी साइड नीचे की साइड भी, नीचे की साइड भी थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, देखते हैं कुछ है बढ़िया। तो इसकी साइड भी ऐसे ही है नॉर्मल टाइप का ही ऐसे, ये और दुकानें आती जाती हैं। ऊपर की साइड भीड़ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे मेन टूरिस्ट सीधा वहाँ पे चौराहा है, तो मेन हर जगह से टूरिस्ट आती है, यहाँ पे थोड़ी कम होती है। फोन कहाँ है अभी मेरा? व्हाट इज नाउ एंटर्ड, अब हम जरा बीच नाइट के लिए होटल जाने की वापस तैयारी कर रहे हैं ना। यस चलो चलते हैं, होटल वगैरह सब पूरा ग्रुप आ जाए एक घड़ी और उसके बाद चलते हैं। हम टिबेट किचन गए थे ना? हाँ टिबेट किचन, वो लोग जिमी किचन गए, ओवर जिमी किचन गए थे, जिमी किचन भी उनके लिए बढ़िया था, हमको पता नहीं जिमी पता करेंगे तो लेंगे उनसे भी। तो अब हम आपको मिलते हैं सीधा रेडी होके डीजे नाइट पे, वहीं आपको रिव्यू भी दिखा देंगे जिमी किचन का, तब तक के लिए तो थोड़ी देर रुक जाओ। प्लीज भाटिया, दिस इज यशप्रिय छोटो भाई कालू। और गाइस आपको दिखाई डीजे पार्टी, आ दिखाते हैं गाइस, यहां पे डीजे पार्टी होने वाले, गाने बज रहे हैं। अरे छोटा नाइट होगी पता नहीं चलेगा, अब देना मत पार्टी करनी है। हम तीनों रेडी हो चुके हैं और ये मेरा आउटफिट है, और आप इनके भी आउटफिट देख लो, मेरा ये यश का आउटफिट, चिन्ना थाला, चिन्ना थाला का एक्सेंट देख रहा है, चिन्ना थाला, अबे अमेरिकन एक्सेंट नहीं होता उनका। पांच मिनट जाके वहां पे जैकेट पहन के बैठ गया गाइस, दोनों का आउटफिट भी देख लो, गंदे पहले उतरे की ये, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हेलो आउटफिट दिखा दो, लेट्स गो टू रीजन आई गाइस, मेरे गाइस गाइस अभी नए गाइस, एक मेन चीज आज की गाइस के साथ, हां यू नो मैं सिर्फ भाटिया के साथ नाचूंगा, हमको नाचना भी नहीं तेरा। हां सब हो गई, सो इट्स टाइम टू गो, अभी हम सब पैक वैक कर रहे हैं, और कैसी पैकिंग हो गई, अभी हम सब पैक वैक कर रहे हैं, इसके बाद हम निकलेंगे अपना वापस घर के लिए निकलेंगे ऑफ कोर्स। मतलब घर के लिए नहीं, अभी हमारा जो है घर, हम कल सुबह पहुंचेंगे तो शायद हम पालमपुर या धर्मशाला में एक जगह जाएंगे कहीं, तो अभी अब जहाँ जाएंगे आपको दिखाई देंगे इसी व्लॉग में। तो कल रात को भी डिनर के बाद तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो सो गए थे, सब सो गए, तो अभी भी थोड़ी देर पहले उठे हैं ब्रेकफास्ट, बस अभी हम निकलते हैं यहाँ पर रेडी होके, क्योंकि कॉल आ गई है, वो बुला रहे हैं हम सबको। सो अभी चिल करो थोड़ी देर और देखो क्या क्या दिखाते हैं हम आपको, लेट्स गो। आ गए हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम एंट्रेंस, मोमो नसीब ही नहीं हो रहे गाइस, हम स्टेडियम में आ चुके हैं,
ओह गाइस माउंटेन का व्यू विद स्टेडियम, वही तो देखे गाइस देख लो यही है स्टेडियम। अब हम अंदर भी लेके चलते हैं, देखते हैं भाई एजुकेशनल विजिट है बस और कुछ नहीं है। जाना कहाँ है? गाइस स्टेडियम फुल है पूरा। गाइस ये बढ़िया, वहाँ पे ग्रेट व्यू भी आता है माउंटेन्स का वो वाला। ओके वेरी गुड नाइस। तो यही स्टेडियम था बस, खत्म और बस यही था। वो यहाँ पे भी ये जो क्रीज होती है वो लाइव लगती है, और वो मेन पिच में पिच होती है बस, और सारे क्रीज लगती है ये सब कुछ।